इस कहानी का नाम है भेड़िया और बकरी के सात बच्चे। एक बार बकरी अपने घर से बाहर जा रही थी। बच्चों से बोली, जब तक मैं घर वापस ना हूं किसी को घर के अंदर आने मत देना। लेकिन पता है ये बात घर के बाहर जंगल कौन सुन रहा था? एक खतरनाक भेड़िया। बेटा भैया, आपको क्या लगता है कल रात जो शहर से दो लोग गायब हुए उनको भी स्त्री? स्त्री तीन या भेड़िया दो, कौन सी फिल्म पहले रिलीज होगी? स्त्री दो ने जबरदस्त सफलता हासिल की है, जिसे भेड़िया के साथ क्रॉसओवर सीन ने और बढ़ा दिया है, जिसमें वरुण धवन है। इस साल हमने हॉरर यूनिवर्स में तीन उल्लेखनीय प्रविष्टियां देखी, स्त्री, भेड़िया और मुंज्या। रोमांचक रूप से ये पुष्टि की गई है कि स्त्री दो और भेड़िया दोनों को अतिरिक्त सीक्वल मिलेंगे। हाल ही में राजकुमार राव ने कुछ प्रकाश डाला कि आने वाली हॉरर यूनिवर्स फिल्मों में से कौन सी, स्त्री तीन या भेड़िया दो, पहले स्क्रीन पर आएगी। आइए विवरण में गोता लगाते हैं। स्त्री तीन या भेड़िया दो, क्या फिल्म पहले रिलीज होगी? ऐसा लग रहा है कि भेड़िया दो स्त्री तीन की रिलीज से पहले रिलीज होगी। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में राजकुमार राव ने दावा किया कि उन्हें रिलीज शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन दर्शक जल्द ही भेड़िया दो को बड़े पर्दे पर देखेंगे। इससे पहले भेड़िया दो के निर्माताओं ने घोषणा की थी कि फिल्म 2025 में किसी समय रिलीज होगी। स्त्री तीन के बारे में बात करते हुए राजकुमार ने कहा, बनेगी, जरूर बनेगी और कोशिश करेंगे भाग एक और दो से भी बेहतर बने। स्त्री दो के निर्माताओं ने पहले पुष्टि की थी कि उनके पास स्त्री तीन की स्क्रिप्ट तैयार है और फिल्म की रिलीज में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चूंकि शूटिंग अभी शुरू होनी है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्त्री तीन 2025 के अंत में या 2026 में रिलीज होगी।